केस स्टडी को जेनेटिक्स बोलते हैं, या कह सकते हैं स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, आप लोग जो बुक में पढ़ते हैं, यानी कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब हमें जेनेटिक्स में ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। पूरा एक फ्लो चार्ट है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है। अब इनहेरिटेंस में बेसिकली हम लोगों का इनहेरिटेंस में क्या आता है, जैसे मल्टीपल एलील हो गया, एबीओ ब्लड ग्राफ आप पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग में, सिंपल डोमिनेंस को डोमिनेंस दोनों का एक क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है। सेक्स लिंक डिजीज में एक्स लिंक आता है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, और वाई लिंक में हाइपर ट्राइकोसिस आता है, ठीक है। ऐसे कैरियोटाइपिंग में पेडिग्री एनालिसिस बोला जाता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल साइटोप्लाज्म की नैनोट्यूब जैसे कप्पा पार्टिकल होता है, पैरामीशियम, सेल कॉइलिंग से स्नेल, ये पहले एनसीईआरटी में था, तो पहले का फ्लो चार्ट है, अब नहीं है, आपको पढ़ना। और सेक्स डिटरमिनेशन में मेल हेट्रोगैमेटिक हो गया, जैसे एक्स एक्स और एक्स नॉट कहाँ पे पाया जाता है, बग में, कॉकरोच में, ग्रास ऊपर भी एग्जाम्पल याद रखना है। एक्स एक्स और एक्स वाई, अब यानी मैन हो गया, यानी कि बार बार एक्स इन एक्टिवेटेड होता है ड्रोसोफिला में, जेनेटिक बैलेंस मैकेनिज्म। फीमेल हेट्रोजाइगेसिटी किस में होगा, जेड, यानी कि किसी में जेड जेड क्या होगा मेल, और जेड नॉट क्या हो जाएगा फीमेल, जैसे मंथ हो गया, बटरफ्लाई हो गया, डोमेस्टिक चिकन हो गया वगैरह। और ये भी देखिए फीमेल हेट्रोजाइगेसिटी का एग्जाम्पल बर्ड, रेप्टाइल, फिश, आप में दिया पूछा जाता है। और हैप्लॉयड डिप्लॉयड कौन सा हनी में होगा, आगे हम लोग देखेंगे इसमें। और पढ़ना होता है हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम लोग, जैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या, थैलेसीमिया हो गया, एलेप्रिनिज्म हो गया, फिनाइल केटोनोरिया हो गया, और हैसिंगटन कोयरा हो गया, हैसिंगटन सिंड्रोम बोला जाता है, डाउन सिंड्रोम हो गया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का, कैलिफेंटल सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम वगैरह। यहाँ पे वेरिएशन में जैसे म्यूटेशन की बात किया जाए तो यूजेनिक, यूफेनिक और यूथेनिक, तीन टर्म है, डिफाइन कर सकता कोई आप में से तीनों में क्या डिफरेंस है, बस हमें उतना जानना है तीनों में क्या डिफरेंस है, आप लोगों में से कोई डिफाइन करिए तीनों में अरे क्या डिफरेंस है। जैसे यूथेनिक्स क्या होता है, या पहले यूजेनिक्स लिखा हुआ है बताइए, और यूथेनिक्स क्या हो गया। यूजेनिक्स यूथेनिक्स यूफेनिक्स, आर्यन बताइए यस सर तीनों टर्म में क्या डिफरेंस सर यूजेनिक्स से ही तो डिफरेंट है ना यूथेनिक्स। डिफरेंट है, तीनों वर्ड डिफरेंट है, ठीक है। यूजेनिक्स नहीं समझा देखिए तीनों टर्म में बताइए। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, जैसे एक वर्ड यूजेनिक्स है, ठीक समझ रहे हैं, तो ये क्या करता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि हम लोग डील्स विथ रेस, यानी कि कह सकते हैं जो हम लोग किसी भी रेस को इम्प्रूव करें थ्रू मतलब हेरिडिटी से, ठीक है, किसी के भी करेक्टरिस्टिक मतलब कुछ भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि रेस को इम्प्रूव करने के लिए, ये इसका डिफिनेशन है पूरा, डील्स विथ रेस इम्प्रूवमेंट
थ्रू किससे? हेरिडिटी से, यानी कि हेरिडिटी का जो लॉ है, जो मेंडेलियन लॉ हम लोग पढ़ेंगे, उससे हम लोग किसी रेस को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, समझ रहे? मीन्स सेलेक्शन करके, मतलब कि अच्छे वैरायटी को, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे यूथेनिक्स है। यूथेनिक्स क्या? यूथेनिक्स देखिए, यहाँ पे किसी भी मतलब रेस को इम्प्रूव करने के लिए हम इन्वायरमेंट का, मतलब जैसे अच्छे इन्वायरमेंट में रखते हैं, जैसे आप कोई बच्चा किसी के पैदा होता तो वो चाहता है हम अच्छे इन्वायरमेंट में रखें, ठीक है। तो उसके क्या होगा, जैसे मान लीजिए आइडियल ट्विंस ही हैं, उनको अलग अलग एक बहुत बैड इन्वायरमेंट में डाल दिया जहाँ लड़ाई झगड़ा होता रहे, ठीक है, एक अच्छे में डाला जाए, दोनों में डिफरेंट आ जाएगा ना, इन्वा आएगा कि नहीं? हाँ तो यहाँ पे रेस को इम्प्रूव किया जाए थ्रू किससे? इन्वायरमेंट से। और ये वाला लास्ट वाला फेनिक्स हाँ, यू फेनिक्स, ठीक है, इसका है डील्स विथ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। ये भी ह्यूमन के ही बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उसको क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, इम्प्रूव मतलब किया। अच्छा, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड में डिफरेंट है, तो ये तीनों वर्ड में आपको डिफरेंट केवल पता होना चाहिए, ठीक है। ये इवोल्यूशन वाले चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक, पहले बहुत क्वेश्चन आता था इससे, आपको प्रीवियस ईयर का मिलेगा, बस यहाँ पे मीनिंग पता होना चाहिए। यहाँ पे अब मीनिंग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये तो इसमें नहीं कंफ्यूजन होता किसी को, इसमें इसमें थोड़ा सा होता है, यूथेनिक्स और यूफेनिक्स, ठीक। यानी कि कह सकते हैं इसको अलग अलग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे आप इसको कह सकते हैं बिफोर, मतलब बर्थ की बात कर रहा है, नहीं बिफोर बर्थ की, बर्थ से पहले इसको किया जाएगा, इसको बर्थ के बाद एनवायरनमेंट में डाला जाएगा, ये हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बाद में होगा तरह से। चलिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था, डिवीजन कर रहे हैं उसी के तरह करेंगे, टर्म जेनेटिक्स जल्दी जल्दी बताइए, गिवन बाय, ये भी दिया हुआ है बेटसन, और बेटसन को ही क्या बोलते हैं, जेमिस डेटसन। हाँ, इसका मीनिंग क्या होता है जेनेटिक्स मीनिंग, मीन्स बताए, टू जनरेट मतलब कि जेनेसिस कोई चीज होता है नहीं, हाँ, मतलब इसीलिए इन्होंने जेनेटिक्स नाम लिखा। और बेटसन को ही क्या बोला जाता है, फादर ऑफ, जेनेटिक्स गलत, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला जाता है, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स मॉडर्न जेनेटिक्स तो फिर सर होंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स वॉटसन। फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं पता सर, अभी यही भाई क्या यार, तो होंगे ना सर, वर्सन ही तो होंगे ना। मेरा जान मेंडल, मेंडल को भूल गया है हाँ जी, मेंडल अभी मेंडल हाँ मेंडल याद है। यार, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये सब मेंडल हम पढ़ाए हैं,
मेंटल नहीं है। नहीं, चलो, नहीं तो एक्सपेरिमेंट किया था। किया था लेकिन उनको एक नाम दे दिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स, सबके पापा हो गए तो इस पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट हो गया तो अरे मॉर्गन, मॉर्गन है, मॉर्गन, मॉर्गन मॉर्गन ड्रोसोफिला। हाँ मॉर्गन। आप लोग ये सब पता होना चाहिए भाई, तो छोटी छोटी। चलिए अब यानी कि जेनेटिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अभी थोड़ी देर पहले डिफिनेशन बताया था, डील्स। बताइए वो डीलिंग जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यही ना। और हेरिडिटी मीन्स क्या होता है? अब दो चीजें यहाँ पे आ गई, मतलब जेनेटिक्स में दो चीजें हो गई ना, एक हेरिडिटी हो गया, दूसरा वेरिएशन हो गया। मतलब कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसफर होना पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन। यानी कि हेरिडिटी मीन्स क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। नहीं, यस सर। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। हम इसीलिए भाई लिखते हैं कि आप लोग उस पर टाइम थोड़ा बिताएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं, तो आपको ज्यादा याद होगा, ज्यादा देर तक उस पर रुके रहेंगे, तो आप दिमाग में मेमोराइज भी करते रहिए। जो पुराना अभी जैसे बता दिया, तो यहाँ जब लिखते हैं तो आपको जैसे रिवाइज ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, आइडिया ऑफ हेरिडिटी सबसे पहले किसने दिया था? यहाँ पे आइडिया ऑफ हेरिडिटी, फर्स्ट गिवन बाय, आइडिया मतलब इनहेरिटेंस, मेंडल, इनहेरिटेंस मेंडल जो लाया पूरा इनहेरिटेंस का है, ठीक है, बाय मेंडल। ठीक, अब दूसरा यहाँ पे वेरिएशन। वेरिएशन किसे बोलते हैं? अब वेरिएशन जो जब, अब जैसे हम लोग जेनेटिक्स को अगर देखा जाए, मतलब क्रोनोलॉजिकली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हम लोग प्री मेंडेलियन बोला जाता है, एक मेंडेलियन, एक पोस्ट मेंडेलियन। तो मतलब प्री मेंडेलियन हेरिडिटी भी नहीं रहा होगा एक तरह से, वेरिएशन भी नहीं रहा होगा, लेकिन मेंडेलियन में क्या है, हेरिडिटी की बात करते हैं पूरा, पोस्ट मेंडेलियन में ज्यादातर वेरिएशन की बात करते हैं, ठीक है, और भी डेवलप हुआ उसमें, ठीक, तो उसमें वेरिएशन पे फोकस ज्यादा किया गया। नहीं, तो वेरिएशन किसे कहते हैं? सिंपल टर्म यही है कि आपको सम डिफरेंस पेरेंट इन इंडिविजुअल ऑफ स्पीसी, नहीं, जो डिफरेंस होगा, सम डिफरेंसेस प्रेजेंट इन इंडिविजुअल। जैसे आप लोग, मतलब हम फादर मदर से जो मिलते हैं उसे बोला जाता है हेरिडिटी का, जो डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया, वेरिएशन हो गया। वेरिएशन अब यहाँ वेरिएशन को देखो क्लासिफाई कई पार्ट में करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमें वेरिएशन नहीं पढ़ना है, इनहेरिटेंस पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएशन में आ गया, वेरिएशन को डिवाइड कर सकते हैं सोमेटिक वेरिएशन या सोमेटोजेनिक वेरिएशन, ठीक है, दूसरा जर्मिनल वेरिएशन या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन बोलकर जाता है, ठीक। सोमेटिक वेरिएशन में दीज वेरिएशन इफेक्ट सोमेटिक सेल ऑफ ऑर्गेनियम, दीज आर आल्सो नोन एज मॉडिफिकेशन ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, ठीक है। और इसमें इनहेरिटेबल वेरिएशन में जर्मिनल सेल का होगा, दीज में भी ड्यू टू
म्यूटेशन, यहाँ ये म्यूटेशन भी अराइज होगा। ठीक है, अब इसमें सोमेटिक वेरिएशन दिज कैन बी क्लासिफाई इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, यूज एंड डिस्यूज आर्गन और कॉन्शियस इफर्ट की वजह से। यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, देर आर टू टाइप, और डिसकंटिन्यूअस दो होगा। मीन्स मतलब सोमेटिक वेरिएशन जो अदर देन हम जर्मिनल सेल को कंसीडर करते हैं, जैसे एक तरह से क्लोनिंग वाला पार्ट हो गया, नहीं मतलब कि मदर, जैसे मदर के सेल को कहीं से ले लिया, ठीक है, उससे नया ऑफस्प्रिंग ग्रो कराया, ठीक है, तो मतलब विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या, वहाँ पे जो वेरिएशन होगा किसकी वजह से होगा, या तो इन्वायरमेंट की फैक्टर होगा, या यूज एंड डिसयूज जो हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा, लैमार्क डार्विन वाला, या कॉन्शियस इफर्ट की वजह से। जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज लाइट, टेम्परेचर और न्यूट्रिशन इफेक्ट, फिजिकल फीचर एंड बोथ एनिमल प्लांट पे पड़ता है ये। कंटिन्यूअस यूज एंड डिसयूज में मीन्स आर्गन जैसे यूज किया जाता है स्ट्रॉन्गर होता है, अगर नहीं किया जाता वीक होता है रिस्पेक्टिवली। और कॉन्शियस इफर्ट में एनिमल विद इंटेलिजेंस शो सच प्रोसेस जैसे एजुकेशन, स्लाइम बॉडी वगैरह, एजुकेशन दिया जाए तो थोड़ा कॉन्शियस इंटेलिजेंट हो जाए। और इसमें ब्लास्टोजेनिक जर्मिनल वेरिएशन दीज आर इन्फ्लुएंसिंग वेरिएशन विच आर कॉज ड्यू टू रेयर वेराइटी एंड स्पीसी की वजह से। डिसकंटिन्यूअस सडन या इनहेरिटेबल चेंज जो होता है उसे हम लोग डिसकंटिन्यूअस ओरिजिनेटेड ड्यू टू म्यूटेजन, यानी कि जो म्यूटेशन का अर्जिंग होता है उसे म्यूटेजन बोला जाता है, ठीक है, यानी कि म्यूटेशन की वजह से। तो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी हमें बेसिकली थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो एनसीईआरटी के बेस पे दिया हुआ है, तो हमें मेंडल के बारे में थोड़ा सा जानना है, ठीक है। अब जैसा कि मेंडलिज्म कह सकते हैं, मेंडलिज्म, ठीक, अब मेंडलिज्म में क्या, एक तरह से फादर ऑफ मेंडल को, ग्रेगर जैन मेंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, जी जे मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। जी और इनका मतलब ऑस्ट्रिया में जो चेकोस्लोवाकिया का पार्ट था उस समय, ठीक, वहां पर जन्म हुआ था ये, ठीक है। और फर्स्ट टाइम स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वेयर अप्लाई इन बायोलॉजी, कह सकते हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे, तो फर्स्ट टाइम स्टैटिक स्टैटिकल, आप लोग भी स्टैटिकल एनालिसिस पढ़ेंगे लास्ट ईयर में एमबीबीएस के, ठीक है, तो उसमें पढ़ना पड़ता है स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिक लॉजिक लॉजिक अप्लाई इन बायोलॉजी। इसकी वजह से भी इन्हें क्रिटिसिज्म मिला था कि आप बायोलॉजी में इतना मैथ क्यों लगा दिए, ठीक है। तो आगे मीन्स इनका एक्सपेरिमेंटल जर्नल में जो 1865 तक कुछ मतलब ऐसा नहीं था। और एक्सपेरिमेंट इस किसने किस पे किए थे इन्होंने, मतलब इनका एक्सपेरिमेंट किसका है, यानी हाइब्रिडाइजेशन पब्लिश इन जर्नल में पब्लिश करते हैं ना लोग, उसको किया था, बहुत इसमें जानना नहीं है। और बेसिकली आप देखें इनकी मतलब डेथ हो जाती है किससे, इनको ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस हो गया रहता, किडनी डिजीज हो जाता है, इससे डेथ हो जाती है, कब, 1884 में, ठीक। तो अब देखा जाए कि मेंडल का जो भी एक्सपेरिमेंट रहा है बक्से में चला गया, कोई मतलब नहीं। अब 1900 में, 1900 में, ठीक है, थ्री साइंटिस्ट मतलब आफ्टर कह सकते हैं कितना ईयर बाद, 16 ईयर बाद, यहाँ पे मेंडल का री डिस्कवरी हुआ। री डिस्कवरी जो मेंडल ने बताया था उसको तीन साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, सबसे बात है इंडिपेंडेंटली, जैसे होता नहीं, उन्होंने मतलब कोई भी पेपर पब्लिश वगैरह करता है तो लाइब्रेरी में पढ़ा रहता है, तो इन लोगों को मिला कहीं से, ठीक है, किसको मिला, एक क्वारेंस थे,
और ये कहाँ के थे? जर्मनी के। ठीक, दूसरे डी ब्रिज थे, हुगो डी ब्रिज। डी ब्रिज, हुगो डी ब्रिज ये कहाँ के थे? हॉलैंड के। तीसरे साइंटिस्ट थे शेयरमार्क, और ये ऑस्ट्रिया के ही थे। यहाँ ऑस्ट्रेलिया, के ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं भाई, थोड़ा जियोग्राफी भी जान जाइए। इतना सारा लड़ाई वगैरह हो रहा है, पहले से प्रिपेयर रहिए, भागेंगे किधर? ठीक भाग जाऊंगा है, कहीं भी सर। ठीक है, समझ रहे हैं। ऑस्ट्रिया दूसरी कंट्री है चेकोस्लोवाकिया के पास, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दूसरी है। अब इन्होंने, तीनों ने मतलब मेंडल के डिस्कवरी, मतलब ये तीनों साइंटिस्ट थे जो मेंडल का पॉइजन सेटाइमम पे जो भी एक्सपेरिमेंट था उसको इंडिपेंडेंटली किए, अलग अलग, कोई कम्युनिकेशन, उतना मोबाइल वगैरह नहीं, इंटरनेट वगैरह नहीं था, ठीक है। तो वो सेम रिजल्ट पाए जो मेंडल ने बताया था, जिसकी बात माना नहीं गया था, ठीक है। अब मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेंडल, इसीलिए इन्होंने सब लोगों ने मिलके बाद में फादर ऑफ जेनेटिक्स का क्रेडिट किसको दिया गया? मेंडल को, ठीक है। एक्सपेरिमेंट तो इसमें देखा है, मेंडल वन सबसे पहला यही है कि मेंडल का सक्सेस रहने का कारण है कि इन्होंने वन या टू करेक्टर स्टिक एक टाइम में स्टडी, मतलब सबसे पहले तो ले सकते हैं कि इन्होंने अच्छा सिलेक्शन किया किसको? ऑफ मटेरियल, कौन सा सिलेक्शन मटेरियल था भाई? गार्डन पी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन अच्छा टाइप। भाई आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, तभी एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिया करिए प्लीज यार, कैसे काम चलेगा? अब हम तो दिन भर नहीं पढ़ाते रहेंगे ना। चलिए, दूसरा मेंडल का सक्सेस रहने का क्या कारण है? दूसरा, इन्होंने एक टाइम में एक या दो चीजें ही करेक्टरिस्टिक को लिया, फोकस किया, ठीक है। यानी कि मेंडल मतलब दो नाव पे पैर नहीं रखा, कहते हैं ऐसा, बोलते हैं ना। एट वन टाइम, ठीक है। अब दूसरा, यानी कि पी मटर को एक्सपेरिमेंट करने के लिए दूसरा क्या है? ये क्योंकि 60 लाइफ स्पेन होता है, 90 डे का लगभग होता है। अभी मटर इस समय बोया जाएगा, ठीक है, तो कह सकते हैं पी प्लांट हैव 60 लाइफ स्पेन। शॉर्ट लाइफ स्पेन, और कह सकते हैं इजिली ग्रो कर सकते हैं ना, इजिली मतलब कल्टीवेट इन गार्डन, मतलब लेस टाइम में, बाकी आप जानते हैं। पहले फोर्थ पॉइंट, मतलब कि इसके मेन करेक्टर क्या है? पी प्लांट क्या होता है? पी प्लांट क्या होता है? फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, फ्लावर लिख दिया जाए, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के रहने के मींस क्या होता है आर्यन? मतलब दोनों मेल और फीमेल, मतलब गाइनोशियम और एंड्रोशियम दोनों होंगे एक फ्लावर के हाँ, अंदर। उसका रीजन पूछ रहे हैं, मतलब ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। और इससे क्या होगा, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं प्योर लाइन ब्रीड, मतलब प्योर प्योर लाइन
ब्रीड बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा, मेंडल ने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों, और यहाँ पे पांचवा है कि पी प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन भी इजी होता है। ये कैसे? ई मैस्कुलेशन से। अभी आगे हम लोग देखते ठीक। और अगर देखा जाए तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो बता सकते हैं, दोनों था, मतलब बोथ क्वालिटी के बारे में बताया और नंबर के बारे में, यानी कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। और मेंडल ने स्टडी किया था कितने करेक्टर को, बताइए। मेंडल ने कितना, आठ नहीं यार, सेवन आठ कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है, सेवन ईयर, ठीक है, और सेवन क्रोमोसोम से, ऐसा है उन्होंने बोला। मेंडल कह सकते हैं, मेंडल स्टडी करेक्टर। सेवन करेक्टर, और बीच में यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, मतलब कह सकते हैं 14 कंट्रास्टिंग ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, करेक्टर क्या होता है, डिफरेंट पता है? ट्रेड, ठीक। और भी मतलब मेंडल ने मतलब जो करेक्टरिस्टिक किया था, सेवन बोल रहे हैं, करेक्टरिस्टिक सेवन ईयर स्टडी किया, ठीक है, और 14 कंट्रास्टिंग ट्रेड में। अभी आगे आते हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेड वगैरह निकालते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट हमको दीजिए यार। अब इसमें देखिए, सेवन करेक्टरिस्टिक का जो स्टडी किया मेंडल ने, बोला कि हम सेवन क्रोमोसोम से लिए है। एक्चुअल में सेवन क्रोमोसोम से नहीं आया था, वो फोर क्रोमोसोम से आया, ठीक है, जिसको मतलब कि ब्लिक्स्ट ने मतलब डिस्कवर किया कि ये जो सेवन करेक्टर है कम्स फ्रॉम चार क्रोमोसोम्स हैं। फोर क्रोमोसोम, ठीक है। वो मेंडल लकी थे कि उन्हें क्या लिंकेज नहीं मिला, ऐसा बोला गया। फोर क्रोमोसोम, फोर पेयर लिख दे सकते, ठीक है, यानी कि कौन कौन से थे, फर्स्ट, ठीक है, फोर और फाइव और सेवन, 1457 याद कर सकते हैं, इससे उनके आए, ठीक है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ये देखिए मेंडल का एक्सपेरिमेंट का है, यहाँ पे करेक्टर दिया, अभी इसको याद करना है पहले, तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है, ये डेटा ओरिजिनल डेटा ऐसे है, इसको याद नहीं करना डेटा वगैरह, बस यहाँ पे दिया, जैसे कलर ऑफ सीड दे दिया, येलो ग्रीन होता है, इसके बीच क्रॉस मतलब कि F1 जनरेशन इस तरह के आता है, और एक्चुअल में इतना आता है, मतलब 3:1 के रेशो में, जब मतलब फिर से सेकंड जनरेशन मतलब सेकंड फिलियल जनरेशन में होगा, ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव के बाद। शेप ऑफ सीड वैसे यहाँ पे है, देखिए इतना एक्चुअल में आया था, ये भी 3:1 के रिस्पेक्ट में ही है,
F1 में तो सब उसी तरह होगा, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फ्लावर कलर हो गया, ये भी देखिए इसी तरह आ रहा है। एक कलर ऑफ वर्ड हो गया, ये भी देखिए इसी तरह आ रहा है ना। शेप हाफ क्वाड, ये भी देखिए 3:1 का ही आ रहा है। पोजिशन ऑफ फ्लावर, ये भी 3:1 का ऑलमोस्ट आ रहा है। और हाइट ऑफ प्लांट, ये भी आ रहा है 3:1 का। तो यहाँ पे आपको पूरा ये डिटेल में याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेंडल का कौन सा हम लोग करेक्टर लिए, जैसे पॉइजन पॉइजन सेटाइबम, यहाँ पे उन्होंने गार्डन पी बोला जाता है इसे करेक्टरिस्टिक स्टडी। तो यहाँ पे देखिए एक करेक्टर है, यानी कि कितने करेक्टर होते हैं, 7 करेक्टर। और कितने ट्रेड बन जाएंगे, एक करेक्टर में कितने ट्रेड होते हैं, दो। एक डोमिनेंट ट्रेड दो हो गया, दूसरा फोर्टीन रिसेसिव ट्रेड हो गया। जैसे स्टेम लेंथ हो गया, ठीक है, इसका जीन का नाम ली होता है, इसे अभी मतलब आपको इससे मतलब नहीं है कुछ, ठीक है। टॉल हो गया, डॉर्फ हो गया, ठीक। पॉड शेप, ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, पॉड शेप यानी कि इनफ्लेटेड कह सकते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट इस तरह होता है मटर का, नहीं इनफ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्ट। और सीड शेप, राउंड और राउंड रिंकिंग, और रिंग का और सीड कलर, ये 100% याद रहना चाहिए भाई आपको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, येलो और ग्रीन, और फ्लावर पोजीशन और एक्सिस और टर्मिनल। फ्लावर कलर हो गया यानी कि पर्पल वायलेट और वाइट, और पॉड कलर हो जाएगा ग्रीन और येलो, ठीक है। तो ये आपको किसी तरीके से याद रखना है। याद रखने का तरीका थोड़ा सा है कि आपको यहाँ पे ऐसे बांट लेना है थोड़ा सा ट्रेड में, फिर अपने से थोड़ा सा आप सोच के लिखिएगा, ये डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक, रिसेसिव करेक्टरिस्टिक, इधर हम करेक्टर लिख लेंगे और इधर बेसिस लिख लेंगे, किस बेसिस पे, ठीक है, याद रखने के लिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिस किसके बेसिस पे, हम करेक्टर स्टेम के। अब स्टेम के बेसिस पे तो कलर वगैरह से नहीं होगा ना, हाइट से, यानी कि स्टेम की हाइट। तो एक ही इसमें करेक्टरिस्टिक है, यानी कि एक करेक्टर है, और कितने ट्रेड हो गए, दो। कौन सा, एक टॉल हो गया एक और डॉल दूसरा ड्वार्फ हो गया, ठीक है। बेसिस में पहला हो गया, दूसरा बेसिस में क्या हो गया, दूसरा बेसिस में जैसे अब स्टेम के बाद अगर प्लांट का देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, फ्लावर दिखेगा, नहीं ऐसे सोच के याद करना है, फ्लावर, ठीक। अब फ्लावर में मेंडल ने दो करेक्टर मतलब चूज किए, ठीक है, दो करेक्टर कौन कौन से, एक तो फ्लावर का क्या हो जाएगा, पोजीशन ये तो होगा, कहाँ कहाँ फ्लावर उगता है, और एक फ्लावर का कलर हो गया, कलर ठीक है। कलर वायलेट वाइट कलर करेक्टर हो गया, एक पोजीशन, ठीक है, पोजीशन हो गया, ठीक। अब कलर में क्या है, यानी कि कलर अभी हम लोग फ्लावर का कलर क्या होता है, डोमिनेंट वायलेट होता है या पर्पल जो लिख रहे हैं, वाइट वायलेट कलर का, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। और पोजीशन क्या होगा, आर्यन, एक्सियल पोजीशन होगा, एक्सियल, एक्सियल डोमिनेंट होता है, और टर्मिनल क्या होता है, रिसेसिव होता है, रिसेसिव ठीक है। और तीसरा यहाँ पे बेसिस ले लिया, यानी कि उसके बाद हमें क्या दिखेगा, पॉड दिखेगा, उसकी छीमी जिसे हमें बोलते हैं, नहीं जो फल होगा वो दिखेगा, ठीक है। तो पॉड में भी मेंडल ने दो करेक्टरिस्टिक लिए, कौन कौन से, एक तो पॉड का शेप हो जाएगा, एक पॉड का कलर हो जाएगा, कलर पॉड का, ठीक। ये थोड़ा सा हम पलट के लिखते हैं, ठीक है, पहले पोजीशन लिखते हैं, नहीं शेप, शेप में क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक फूल हो गया जिसको इनफ्लेटेड बोलते हैं, ठीक है, फुल इनफ्लेटेड या फुल, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, नहीं सिकुड़ा हुआ रहता है, वो क्या होगा, रिसेसिव करेक्टर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पॉड का क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, कलर ऑफ पॉड। तो कलर में क्या हो जाएगा, दो कलर होता है पॉड का, एक ग्रीन क्या होगा, डोमिनेंट हो जाएगा ग्रीन, और दूसरा क्या हो जाएगा, येलो, लो ये लो ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो अब पॉड जब हम छिलेंगे
क्या आ जाएगा चौथा, यानी कि सीड की बात, सीड हमें दिखेगा नहीं। अब सीड में भी दो चीजें लिया गया, एक कलर लिया गया और शेप ठीक है, दूसरा शेप लिया गया। कलर में क्या हो जाएगा, येलो देखिए, इसीलिए हम यहाँ पे, प्रोडोमिनेंट ग्रीन इसका येलो रिसेसिव। होगा, इसका येलो होगा ठीक है, इसका येलो रिसेसिव होता है ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत होता है ठीक है। येलो और ग्रीन उल्टा ठीक। आप पॉट जैसे देखते हैं आप मटर, तो येलो ही ज्यादा दिखता है ठीक है, येलो इस। और जब मतलब वैसे खरीद के लाए, अभी ठंडी में ले आएंगे तो वो क्या होगा, ग्रीन इस तरह के उसको पॉट दिखेगा ज्यादा। सेब, अब सेब में क्या हो जाएगा, राउंड और रिंकल्ड रिंकल, राउंड और रिंकल, इतने हमारे पास क्या हो गए, करेक्टरिस्टिक हो गए किसके, करेक्टर्स इसीलिए पॉइजन से टाइबम ठीक है। तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में देखिए, ये है, इसको एकदम रट लेना भाई। सीड हो गया राउंड, रिंकल हो गया सीड का, येलो और ग्रीन हो गया, फ्लावर कलर वायलेट और व्हाइट हो गया ठीक है, पॉट से फूल और कॉन्स्टिक्ट हो गया, और पॉट कलर ग्रीन और येलो हो गया। अब फ्लावर पोजीशन ये देखिए एक्सियल है, ये जो निकल रहा है साइड से एक्सियल होता है, और ये टर्मिनल होता है ऊपर जो निकलता है, नहीं आप मटर देखे होंगे तो ऐसे दिखता है हाँ ठीक है, कुछ टर्मिनल से। और ये आप तो जान ही रहे हैं, लंबू और बौना है ठीक है, तो ये हो गया। अब जो ब्लिक्स्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, बताया था ठीक है, कि मतलब मेंडल ने सोचा था कि हम सेवन करेक्टरिस्टिक सेवन क्रोमोसोम से ले रहे हैं, सेवन पेवर क्रोमोसोम से, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि वो फोर क्रोमोसोम से आ रहा, जो यहाँ पे देखिए फिगर बना है ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाले पे देखिए है, फर्स्ट वाले से लिया, उसके बाद फोर्थ वाले पे है ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वाले पे है, उसके बाद सेवन है, सिक्स चौदह सौ लेवल सत्तावन जैसे 1857 याद रखते हैं आप लोग, 1757 याद रखते हैं, पलासी वाला वगैरह युद्ध, तो ऐसे यहाँ 1457 याद रखिए ठीक है। तो 1457 मतलब फर्स्ट क्रोमोसोम पे दो करेक्टरिस्टिक उन्होंने स्टडी किया था, एक सीड कलर ठीक है और दूसरा फ्लावर कलर, देखिए लेकिन बहुत दूर दूर था ठीक है, तो यहाँ इनको लिंकेज नहीं आया ठीक। उसके बाद देखा जाए फोर्थ पे दो करेक्टरिस्टिक, फ्लावर पोजीशन और पॉड शेप ठीक है, तीन करेक्टरिस्टिक है, प्लांट हाइट ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो 2 3 और 1 1, नहीं 2 3 1 1, मतलब टू करेक्टरिस्टिक कहाँ से, फर्स्ट क्रोमोसोम से ठीक, और थ्री किस पे, फोर वाले पे ठीक, और ए 1 1 ठीक है। और इसमें देखिए पॉड कलर हो गया और इसमें सीड शेप हो गया, तो यहाँ पे सीड्स अलग अलग ठीक, तो ये पूरा इसमें था ठीक। आगे चलते हैं अब चैप्टर में। अब यहाँ पे कुछ हमें, जैसे हमने तो डिटेल में पढ़ाया है, जैसे यहाँ पे जगह मैंने रखा है, इसके बाद हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पता होना ही चाहिए ने? सम इम्पोर्टेंट टर्म मैं लिख रहा हूँ आपको, बहुत डिटेल में बताया हूँ ठीक है। एक बार तो क्या नाम है, शिव ने तो बहुत सारे करेक्टर 100 कितना लिखे थे शिव, पिछली बार एक ही जगह। तो यहाँ पे जेनेटिकल टर्म, कल टर्म ठीक है, तो जेनेटिकल टर्म बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे काम का जो है वो पढ़ेंगे यहाँ पे फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, जैसे पहले फैक्टर मेंडल के समय बहुत सारी लड़ाई थी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या चीज मतलब जाता है, तो कुछ नए जैसे अरस्तू ने ब्लड बोल दिया, किसी ने मतलब सीमन बोल दिया सीमन लायक, किसी ने मतलब बीजमान ने अलग बोल दिया, अलग अलग मतलब चीजें, फ्लूड बोल दिया कोई, फ्लूड होता है ठीक है। तो उस समय बहुत सारा मतलब कंफ्यूजन चल रहा था, कोई ऐसा नहीं पता चल रहा था एक्चुअल में क्या ट्रांसमिट होता है।
तो इस सब से बचने के लिए ठीक है मेंडल ने उसको क्या मान लिया कि हमें नहीं पता क्या जाता है, लेकिन हम उस कैसे जाता है, किस रेशो में जाता है वो सब हम बता सकते हैं। तो इन्होंने अगर देखा जाए फैक्टर ही हमारे पास क्या है, यूनिट है, किसका यूनिट ऑफ, मेंडल ने किसका स्टडी किया, हेरिडिटी का। तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी बोला जाए तो आप फैक्टर लगा के आएंगे, ठीक है। अब इसमें दो चीजें, ठीक, इसी को फैक्टर को आगे जाए, मेंडल ने बेसिकली फैक्टर को ही मेंडल ने माना था क्या, मेंडल कॉल्ड इट्स एलिमेंट, एलिमेंट बोल दिया, ठीक, और इसी को फैक्टर भी। और यही 1900 में, 1900 में जॉनसन आते हैं, उसने क्या बोल दिया, जॉनसन ने ही टर्म दिया था किसका। अब क्या बोला जाता है इसे, जॉन जॉनसन जीन बोला जाता है भाई, जीन ही तो बोलते हैं, जीन ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब 1900 में देखिए जीन बोला गया तो यहाँ से जेनेटिक्स की भी समझ लीजिए हो गया। दूसरा दूसरा इम्पोर्टेंट एलील, सबसे इम्पोर्टेंट एलील है, बता सकते हैं, हमने बोला था ये तुरंत, जैसे कोई बोले तुरंत ही आंसर बताइए, क्या होता है जीन एलील, एलील आपने। सारे अरे सर मैं क्या था, भाई आप लोग यार, सब लोगों को यार शिकायत करना पड़ेगा घर वालों लोग, क्या चाहते हैं यार भैया, ये लोग हम लोग बोले थे जैसे जीन एलील बोला जाए अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, तुरंत ही बोलिए। इंटरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। दिमाग अल्टरनेट नाम को नहीं आ रहा था। आप जीन, हाँ तो ही एलील होता, तुरंत याद रहना, मतलब कह सकते हैं स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम जीन, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, स्लाइटली, इसलिए हम यहाँ पे की पॉइंट ब्रेक करके लिख रहे हैं, ठीक है। आप भाई दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कहीं पे भी आप लोग मतलब पढ़ते तो कोई इस समय रिवाइज कराता, आप पता कर लीजिए, आप लोग इतना आगे चल रहा है सारा और तब भी आप लोग नहीं कर रहे हैं जी, आजकल छोटा सा ठीक। इसमें देखिए आप रोज यही बोलते हैं, आज ही करेंगे, जेनेटिक्स थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है ना, इसलिए भाई लेंदी तो पूरा है यार, जब लेंदी पहले दिमाग में बना लेंगे तो, चलिए आर्यन चुपचाप बोल ही नहीं रहे हैं। ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन, तो उसे क्या बोलते हैं, सर। होमोलोगस, बस सोचरे, किसी एलील के डिफरेंस में हम लोग क्रोमोसोम को होमोलोगस बोलते हैं, और क्या बोल लेते हैं, हेट्रो कह रह सकते हैं, हेट्रो जाएगा सोमो जाएगा, इसे अभी आगे लिखेंगे, नहीं एग्जांपल क्या आ जाएगा, जैसे जीन फॉर टालनेस को क्या लिखेंगे, कैपिटल टी, नहीं, और अब इसी का एलील क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर एलील अदर ऑफ जीन किसका, कैपिटल टी का, नहीं नेस्ट। यही हो जाएगा ना। यस तो सर। मीन मतलब इसी के बेस में अब हम लोग दो चीजें पढ़ लेते हैं, अगर एलील एकदम सोम हो जाएगा मतलब सिमिलर है, सिमिलर है तो उसे क्या बोलते हैं, होमोजाइगस ना, होमो जाइगस, अगर डिसिमिलर है तो
क्या हो जाएगा, हेट्रो जाएगा, और होमो जाएगा, इसमें दो हो जाएंगे ना, ये क्या हो जाएगा, आरएसएस और होमो जाएगा, डोमिनेंट। हाँ होमो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, नहीं कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी, ये होमो जाएगा क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, और ये होमो जाएगा क्या हो जाएगा, रिसेसिव, जो भी आप बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे टर्म फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता तो फिनोटाइप वो होता है है, जो पहले दिखता है, सोचते और हैं जीनोटाइप वो कि होता है जो जीन में होता है। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, नहीं एक्सटर्नल अपीयरेंस, आपको देख के कोई बता दे हाँ ये पापा का नाक है, मम्मी का ठीक है चेहरा है, तो क्या हो गया, फिनोटाइपिक कैरेक्टर, इंडिविजुअल, ठीक। दूसरा जीनोटाइपिक कैरेक्टर, जीनोटाइप क्या हो जाएगा, यानी कि जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, तो क्या हो जाएगा, जीनोटाइपिक, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। कभी लिखा था नहीं, चलिए अब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया, आगे चलते हैं, टर्म की बात कर रहे हैं थोड़ा सा, मेंडल वेयर ग्रेट प्लांट ब्रीडर डू क्रॉस फर्टिलाइजेशन, नहीं बाय, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं भाई, दो चीजें हैं, एक हम लोग क्या आता है, ई मैस्कुलेशन, ई मैस्कुलेशन, ये कई जगह आता है टर्म, जैसे फ्लावरिंग प्लांट में भी आता है, रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है, यानी कि रिमूवल ऑफ एंथर। दूसरा बैगिंग, नहीं बैगिंग करेंगे, बैगिंग किस लिए, कह सकते हैं ई मैस्कुलेशन जो हमने किया है, जैसन फ्लावर, उसको कवर करना पड़ता है, कवर बाय बैग, बैग किसका बना होता है, अरे बटर प्लास्टिक। पेपर का होता है ना, अच्छा, बटर पेपर ही क्यों? ज्यादा बटर पेपर यूज करते हैं, जिससे मतलब कि उसमें क्लीन रहता है ना थोड़ा सा भाई, इसका तो आप ढूंढ सके हैं बटर पेपर, ऐसा हम लिख नहीं रहे हैं कंट्रोवर्सी से बचने के लिए बटर पेपर, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये देखिए इमेस्कुलेशन कर रहे हैं ना, मेल सेक्स ऑर्गन कट ऑफ रिमूव, तो इसे इमेस्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है, इससे कट कर दे रहे हैं, और पॉलन व्हाइट फ्लावर टेकन ट्रांसफर और पर्पल फ्लावर पे, तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, सीड बनेगा इस तरह से, पॉड बनेगा, फिर इस तरह से सारे प्लांट क्या हो जाएंगे, पर्पल उगेंगे कि नहीं। इस मेथड को देखिए रिमूवल ऑफ एंथर यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे की चीज, इससे पहले हम लोग अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मेंडल का, ये सब देखिए पढ़ा दिए हैं, बस हम रिवीजन करा रहे हैं भाई, तो आप लोग थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट मेंडल ने क्या किया था, बता सकते हैं एक्सपेरिमेंट, तो मेंडल ने तो
एक प्रिंसिपल बनाया था केवल, उसने ला वगैरह की नहीं बात किया था, एक्सपेरिमेंटल किया था, उसका डिटेल बताया था। तो एक्सपेरिमेंटल जैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेंडल का क्या था, ऑब्जर्वेशन, इसको जो प्रिंसिपल बनाया किसने बनाया था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन वन जीन, जिसको आपको क्या बोलते हैं, वन जीन एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, वंजीन एमएचसी। एमएचसी एमएचसी जानते हैं, अभी यार नहीं बोलेंगे नहीं, अभी बोलेंगे नहीं जानते। अब यहाँ से ला ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस आया पहला एक्सपेरिमेंट, एमएससी नहीं जानते। अरे भैया मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या यार, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से दो एक्सपेरिमेंट आया था मेंडल का, कौन कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, करेक्ट। ठीक है, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट, नहीं दूसरा, सेकंड ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग ये वाला था, ठीक है, दूसरा सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या था, अरे ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन किस पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस, हम फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं इसलिए। तो ला कौन सा बना, ला ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, नहीं इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, ठीक, मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में बेसिकली उन्होंने क्या लिया, यही टॉल और डॉर्फ का, नहीं टॉल और डॉर्फ लिया ना, यानी कि टॉल टॉल और डॉर्फ, ये सब क्या है, प्योर गैमेट है, गैमेट या वाइल्ड वाइल्ड गैमेट, वाइल्ड पेरेंट कह सकते हैं, प्योर ट्रेड कह सकते हैं, प्योर ट्रेड कह, वाइल्ड वाइल्ड ट्रेड बोल सकते हैं, एक ट्रेड में एक करेक्टर में दो होगा ना, यानी कि प्योर करेक्टरिस्टिक लिया जाता है, तो कैपिटल टी आप जान ही रहे हैं, स्मॉल टी हो जाएगा, इसमें गैमेट कितना बनेगा, गैमेट बनाना सिखाए थे, एक आफ्टर क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, या फोन जनरेशन फर्स्ट फिलियल जनरेशन हाइब्रिड बनेगा ना, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग क्या करें, फिर से सेल्फ पॉलिनेशन इससे होगा, बना ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन में इसको सेल्फिंग कराएंगे तो प्योर बना बनेगा और टू इम्प्योर बनेगा, जो रिकम्बिनेंट कहलाता है, इसका फर्दर हम लोग F1 जनरेशन में सेल्फिंग करेंगे, और ये क्या था, क्रॉस था, पॉलिनेशन, और ये सेल्फ पॉलिनेशन जिसे सेल्फिंग बोल रहे हैं, ठीक, अब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में कितने करेक्टरिस्टिक आएंगे, फोर, एक प्योर हमारे पास प्योर वन जो डोमिनेंट होगा, प्योर डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक, और कैपिटल टी ठीक, 12, और दो हमारे पास आएंगे क्या, इम्प्योर, इम्प्योर टू, और ये क्या कहलाएगा,
ये कौन सा है आर्यन? रिकम्बिनेंट से जो बना, रिकम्बिनेंट नहीं, इसको कह सकते हैं रिकम्बिनेंट से जो बना, ठीक। हाँ और इसको हम लोग कह सकते हैं ड्वार्फ, ड्वार्फ। और ये भी प्योर होगा, ड्वार्फ प्योर परेंट वाला। ये हमारे पास मतलब 1:2, 2:1 कौन सा रेशो हो गया? वन इस रेशो के क्या बोलेंगे बताइए? जीनो जीनोटिपिक टाइप रेशो, ठीक है। दूसरा फिनो टाइप रेशो क्या हो जाएगा? रेशियो 3:1 हो जाएगा, ये ओके दोनों 3 और ये 1, ठीक है, समझ रहे ना। चलिए, ये सब तो इसमें आपको चेकर बोर्ड मेथड आता है, हर साल आता है। चेकर बोर्ड मेथड किसने डेवलप किया? चेकर बोर्ड मेथड किसने डेवलप किया? अभी एक ही नाम यहाँ पे साइंटिस्ट का हर साल लगभग पूछा जाता है, बताइए चेकर बोर्ड किसने डेवलप किया? फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड बाय टाइम क्या उसका आर्यन, मोड ये तो क्या सर अरे यार नाम ही नहीं याद रहा बाय पुनेट पुनेट स्क्वायर नहीं जानते हैं? स्क्वायर पुनिट स्क्वायर, ठीक है, पुनिट स्क्वायर ही तो है, यही तो चेकर बोर्ड है, पूछा जाता है, इसलिए मैंने चेकर बोर्ड लिख दिया, क्योंकि पुनिट स्क्वायर बहुत पूछा जाता है। आप क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको मिला होगा कई बार, ठीक है। चलिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग थोड़ा कर लिए, अब रिजल्ट आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस वही है सारा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं, नहीं, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलते हैं? यानी कि कह सकते हैं रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या क्या रिजल्ट मिला? यानी कि यहाँ पे करेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रिएट यूनिट नोन एज फैक्टर जीन, जो करेक्टर करेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रिएट यूनिट नोन एज फैक्टर, और इसी फैक्टर को अब क्या बोला जाता है? जीन बोला जाता है, ठीक। अब दूसरा, फैक्टर अकर इन, फैक्टर जो आता है कैसे आता है? इन पेयर, पेयर में आता है। तीसरा, तीसरा यहाँ पे डोमिनेंट एंड रिसेसिव करेक्टर आर प्रेजेंट एंड रिसेसिव करेक्टर आर प्रेजेंट, ठीक। और इसी डोमिनेंट करेक्टर जो F1 में दिख रहा है उसी को क्या बोलते हैं अरे? करेक्ट डोमिनेंट इस करेक्टर का प्रेजेंट डोमिनेंट करेक्टर प्रेजेंट। अच्छा, डोमिनेंट करेक्टर किसे बोलते हैं? करेक्टर तो सर वो जिस कैपेबिलिटीज डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर को डिफाइन करिए। जो हम किसी प्लांट को सेल्फ सेल्फ वो करते हैं सेल्फ पॉलिनेट तो जो जो भी फिनोटाइप ज्यादा दिखता है उसको हम वो कहते हैं थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज बताइए। जैसे हमने बताया था, ठीक है, वैसे तो मतलब दूसरे तरह से भी बता सकते हैं। हमने ये बताया था कि दोज करेक्टर प्रेजेंट इन ऑल जनरेशन, ठीक है, ऐसा करेक्टर
जो हर जनरेशन में दिखे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? डोमिनेंट करेक्टर बोलते हैं। और दोज करेक्टर विच इज प्रेजेंट ओकेजनली, ठीक है, कभी कभी मतलब जनरेशन में दिखे, तो उसे क्या बोलते हैं? रिसेसिव बोलते। जैसे अभी हम लोग जो अभी रेशो बनाया था, क्रॉस किया था, उसमें देखिए F1 जनरेशन में क्या था, ओनली एक ही करेक्टरिस्टिक शो हो रहा था जो डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक टाल वाला था, ठीक है, डॉर्फ वाला नहीं शो हो रहा था, ठीक। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट करेक्टर और रिसेसिव करेक्टर। ये हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का कोई एक्सेप्शन है? केवल लिस्ट अभी करेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। बताइए, लिस्ट मैंने किया था, बताइए। देखिए, एक तो हमारे पास इन कंप्लीट डोमिनेंस हो जाएगा, जैसे सैन पेड्रोगोन हो गया, फोर ओक्लाफ हो गया, मेरा विलेज जलापा उसे बोला जाता है। एक एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, जैसे रेड फ्लावर लेंगे, व्हाइट फ्लावर लेंगे, तो कौन सा फ्लावर दिखेगा? पिंक दिखेगा, दिखना चाहिए था क्या? रेड दिखना चाहिए था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है कौन सा? को डोमिनेंट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जब चार्ट पढ़े थे तो वहां पे पढ़ा था ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी फॉलो करता है और को डोमिनेंस भी फॉलो करता है, ठीक। तो ये दो एक्सेप्शन है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे देखिए चेकर बोर्ड वगैरह भी यूज किया गया है सारा, ट्रू बीडिंग, ठीक है, ट्रेड ड्वार्फ, अब सेल्फ सेल्फ हेड के द्वारा, इसके बाद F1 जनरेशन जो हमारे पास हाइब्रिड बनेगा उसको सेल्फिंग करेंगे, ये बन जाएगा होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, हेटरोजाइगस, होमोजाइगस, आप जानते हैं ये सारा कुछ पढ़े ही हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं हम लोग जो हमें मिला था, यहाँ पे दो चीजें, एक हम लोग पढ़ते थे बैक क्रॉस, बस रिवीजन है, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होगा? बैक क्रॉस में दो पार्ट किए थे ना आर्यन, एक आउट क्रॉस और एक हम लोग टेस्ट क्रॉस। अब बता सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंट है? जैसे यहाँ पे फिगर बना है, ठीक है, ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, हम बना के यहाँ पे बता रहे हैं। बताइए आउट क्रॉस किसे कहते हैं? आउट क्रॉस उसे बोलते हैं जब हम लोग क्रॉसिंग करेंगे किससे, कैपिटल टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन में जो बना, ठीक है, उसके बीच में क्रॉस करें। आप क्रॉस करके रेशो बताइए क्या होगा, और टेस्ट क्रॉस में क्या हो जाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी टी से, यानी कि रिसेसिव करेक्टर से। यानी कि हमने ऐसे बताया था, आपको याद है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये प्योर हम लोग लिए, प्योर वाइल्ड जो यहाँ पे ले रहे हैं, प्योर वाइल्ड रेड, और इधर ये क्या है, टॉल है, और इधर हम लोग लिए स्मॉल टी, स्मॉल टी ड्वार्फ ले लिए, ठीक। और भी प्योर है, इसमें गैमेट क्या बन जाएगा? अभी बनाए थे थोड़े में कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक ही गैमेट बनेगा, इसको क्रॉस करा दिए, कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन बन गया ना, और ये हाइब्रिड हुआ। अब इसको अगर हम लोग क्रॉस करा दिया जाए बैक इससे, तो ये बैक क्रॉस है और आउट क्रॉस हो गया, ठीक। इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, सारे ट्रॉल आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। और अगर हम इधर से क्रॉस करा दें, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस बोलेंगे।
समझ रहे हैं? अब रिजल्ट क्या होगा, आउट क्लास का रिजल्ट क्या होगा, निकाल के देख लीजिए। निकालिए, यहाँ पे देखिए हेट्रोजाइगस टॉल टेस्ट भी, अगर हम लोग टेस्ट क्रॉस को रिजल्ट हम बता दे रहे, नहीं तो आप लोग पता नहीं इतना चुप है कि जैसे लग रहा है कि आउट क्रॉस। ठीक, आउट क्रॉस का जैसे हमने बोला कि चेकर बोर्ड भी यूज कर लेते हैं। इधर मेल ले लेते हैं, ये फीमेल ले लेते हैं। एक तो कैपिटल टी कैपिटल भी यूज किया गया, कैपिटल टी स्मॉल टी यूज किया, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर देखा जाए यहाँ पे ऑल क्या है, ऑल टॉल आ गया, कोई रिसेसिव दिखा ही नहीं। ठीक है, अगर किसी कैरेक्टरिस्टिक को हाइड करना है तो हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, दूसरा अगर किसी करेक्टरिस्टिक को इन्फ्लुएंस करना है, पता लगाना है उसके जनरेशन में, मतलब कोई डिजीज है कि नहीं, रिसेसिव करेक्टर है कि नहीं, तो कौन बताएगा, टेस्ट क्रॉस बताएगा। ठीक है, टेस्ट क्रॉस कर लेते हैं। टेस्ट क्रॉस में जो गैमेट लेना है वो हम लोग कौन सा गैमेट ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी ना, ये ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इसमें देखिए, यानी कि फिनोटिपिक रेशो कितना आ गया, 1:2, अरे हाँ 1:1, 1:1। जीनोटिपिक रेशो भी क्या हो गया, 1:1, यही हुआ ना, यानी कि 50% क्या हो गया, टॉल हो गया, एंड 50% क्या हो गया, ड्वार्फ। तो इस पेरेंट में हमें पता चल गया कितना रिसेसिव करेक्टरिस्टिक है कि नहीं है। ठीक, अब हेट्रोजाइगस टॉल टेस्ट का भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये लिया कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो ये रेशो बन गया। ठीक है, इसमें होमोजाइगस टॉल टेस्ट भी कर सकते हैं, होमोजाइगस टॉल टेस्ट, ये कर दिया ये कर दिया, फिर इसमें आ गया। ठीक है, तो इस करेक्टरिस्टिक, इसके बाद हमें बेसिकली दूसरा लॉ पढ़ना है। ठीक है, दूसरा लॉ कौन सा है बता सकते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, और इसी को हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट बता रहे हैं, मतलब लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। मींस जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले मोनोहाइब्रिड में कैपिटल टी यानी कि डोमिनेंट टॉल लिया था, और रिसेसिव क्या लिया था, स्मॉल टी, दोनों प्योर था। अब इसमें क्या होगा, सेकंड जनरेशन में हमें क्या मिल रहा है, एक टॉल मिल रहा है प्योर टॉल, और दो क्या मिल रहा है, हाइब्रिड टॉल और एक प्योर डॉर्फ मिल रहा है। यानी कि F1 जनरेशन में तो कोई सेग्रीगेशन नहीं हुआ, लेकिन F2 जनरेशन में जो पेरेंट में करेक्टरिस्टिक डॉर्फ और टॉल था वो फिर से मिल जा रहा है, उसी को हम लोग कह सकते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, यानी कि उसकी प्योरिटी जो है गैमेट की वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसी करेक्टरिस्टिक मोनोहाइब्रिड एक्सप्लेन कर सकता है, यानी कि दिस लॉ इज बेस्ड बेसिस ऑन द फैक्ट दैट एलील एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लीडिंग एंड दैट बोथ द करेक्टर
आर रिकवर्ड एज सच इन द एफ टू जनरेशन और थ्रू कह सकते हैं वन ऑफ दीज इज नॉट सीन F1 जनरेशन F1 स्टेज बोल देते हैं। F1 स्टेज में नहीं दिखेगा लेकिन F2 ऐसे सेग्रीगेट हो जाता है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, इसका कोई पूछे लाभ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन है बता सकते हैं? देखिए इसमें अगर आता है कि ऐसा कौन सा लॉ है मेंडल का जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? लाभ सेग्रीगेशन बोलेंगे। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, सेग्रीगेशन हो गया एक्सेप्शन तो मतलब कि यहाँ पे नो एनी, उसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला उसमें आएगा एक्सेप्शन, अभी आगे पढ़ेंगे ना, उसमें उसमें नहीं था शायद। उसमें है लिंकेज, इसमें कोई अच्छा हाँ एक्सेप्शन, नन एनी एक्सेप्शन। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन एक बन सकता है, कौन सा? कैसा? नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम वाला, नहीं, नॉन डिस जंक्शन। अगर क्रोमोस, मतलब ऐसा पूछा जाता है, पूछा गया है कि विदाउट एक्सेप्शन कौन सा लॉ है, तो यही होगा। लेकिन इसमें अगर एक्सेप्शन बनेगा कौन सा, ये मतलब कि प्योरिटी ऑफ गैमेट को मिक्सअप कौन करेगा? नॉन डिसजंक्शन, जो वहां पे पैकिटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, वहां नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो गया, यानी कि कोई पार्ट टूट के अलग हो जाए, दूसरे में जुड़ जाए। नहीं, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन कौन सा है? डायहाइब्रिड क्रॉस है, नहीं, मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस सेकंड ऑब्जर्वेशन है। तो मेंडल, ये हम लोग फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किए हैं, सेकंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब सेकंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन, देखिए जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट है, बिना डाइहाइब्रिड क्रॉस के नहीं बता सकते हैं। ठीक है, मोनोहाइब्रिड नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस, और इसमें क्या होगा? इनहेरिटेंस, डायहाइब्रिड मतलब इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, नहीं। और इसमें मेंडल ने बेसिकली कौन सा लिया था? मेंडल टेकन, बताइए तो। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे? हाँ, टू प्लांट मतलब कौन सा? तो सर राउंड और येलो नहीं, राउंड और हाँ, वॉयलेट और रिंकल्ड और वाइट। राउंड येलो कलर सीड, नहीं। हाँ देखिए आप पिछली बार हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े थे, ठीक है, आप लोगों को याद होगा। हाँ सर याद है। लेकिन अब, हाँ, अब के हम लोग एनसीईआरटी बेस केवल कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आएगा खाली। ठीक, वहां पे जैसे कुछ आपको वो सब गैमेट वगैरह निकालना है तो आपको आता है, तो हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे राउंड डोमिनेंट ओवर किस पे? रिंकल पे, और येलो डोमिनेंट ओवर ग्रीन, तो आप जान ही रहे हैं। तो इसमें अगर क्रॉसिंग कराएंगे तो कौन सा बनेगा, रेशो क्या होगा, बता सकते हैं? I have it cross. हाँ, डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या बनेगा, रेशो क्या होगा?
फिनोटिपिक रेशियो 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 आएगा। हाँ यही आएगा, ठीक है, यानी कि फिनोटाइपिक रेशियो में तो ही आएगा ना 9:2 डायहाइब्रिड में। तो यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है, और स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसमें हम लोग गैमेट बनाते हैं, दो बन जाएगा कि नहीं, एक ही गैमेट इसका बनेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और इसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई अच्छा गैमेट गैमेट। और ये दोनों अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, नहीं क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये F1 जनरेशन होगा और हाइब्रिड होगा, कैसा दिखेगा, राउंड राउंड येलो। येलो, ठीक। अब इसके बाद सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फी ले लिए, कहाँ गए शिव, यस सर। हाँ सेल्फी यहाँ ले लीजिए। क्या बनेगा फिनोटाइपिक रेशो, क्या बनेगा, राउंड मतलब 9:3:1 1, यही बनेगा ना। तो ये क्या है, 9 क्या है, राउंड येलो, राउंड ये येलो, क्या, राउंड ग्रीन बन जाएगा ना। हाँ सही बता रहे हैं। येलो और रिंकल राउंड ग्रीन, रिंकल्स येलो, से येलो, रिंकल रिंकल ग्रीन, हाँ रिंकल ग्रीन, ग्रीन। ठीक, समझ रहे हैं। अब ये हमें 9:3:1 का रेशो आ गया, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं हम लोग बहुत सारा चीजें निकाल सकते हैं, गैमेट वगैरह तो निकालने आता ही है आप लोगों को, नहीं तो गैमेट इसमें इस लॉग को बेसिकली हम लोग क्या बोले, यानी कि डाइहाइब्रिड कास का रिजल्ट क्या है, रिजल्ट रिजल्ट अब DHC, ठीक है, बताइए DHC का रिजल्ट क्या है, वही आया है कि हम यहाँ पे में वेन वेन लिख दे रहे हैं, वेन टू पेयर पेयर ट्रेड आर कंबाइंड इन ये हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर, क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर, नहीं यही होगा ना, यानी कि वन पेयर इंडिपेंडेंट ओवर ऑफ अदर पेयर, एक पेयर दूसरे पेयर से क्या होगा, इंडिपेंडेंट, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेंडल ने आगे बोला गया लॉ ऑफ और इन सिग्निफिकेशन डिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला इसी को, ठीक। जीनोटिपिक रेशो क्या हो एग्जैक्टली। जाएगा, जीनोटिपिक रेशो क्या हो जाएगा, अरे जीनोटिपिक याद रखिए भाई, फोर यार फोर टाइम टू और फोर टाइम वन, इतना होगा ना, हाँ, फोर फोर टाइम टू फोर टाइम, ऐसे मिला के याद रखिए, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन यही से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन बताइए, एक्सेप्शन एक्सेप्शन में तो क्या है यार, एक्सेप्शन में लिंकेज। लिंकेज हो गया, तो इसमें लिंकेज एक्सेप्शन होगा, ठीक है, समझ रहे हैं, किसका, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का सबसे बड़ा एक्सेप्शन लिंकेज था, और इसीलिए मेंडल को लकी बोला जाता था, उन्हें लिंकेज दिखा ही नहीं, ठीक है,
इसलिए एक्सपेरिमेंट उनका रिजल्ट अच्छा अच्छा आ रहा था। नहीं तो यहाँ पे लिंकेज जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पे पहला एक्सेप्शन की देखिए फोटो दिया है, ठीक। ये कौन सा एक्सेप्शन, एग्जाम्पल क्या है, बता सकता कोई फोटो एग्जाम्पल देख के, इमेज देख के? ये रेड व्हाइट है, ठीक है, यानी कि ये दोनों एक्सेप्शन ये है। अब इसका नाम क्या है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का दोनों एग्जाम्पल है, दोनों इमेज सेम ही है लगभग। इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट क्या है, डोमिनेंस, नहीं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नहीं देखिए यहाँ पे रेड था, रेड ले लिया डोमिनेंट, व्हाइट ले लिया रिसेसिव, अब पी पेरेंट थे, और यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो गया, पिंक बन गया, F1 जनरेशन, इंटरमीडिएट फिनोटाइप पिंक हेटरोजाइगोट बन गया, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, और बेसिकली ये डिस्कवरी किया गया था कोरेंस के द्वारा, डिस्कवर बाय बाय किसके द्वारा, कोरेंस के द्वारा। कोरेंस कौन थे, एक साइंटिस्ट थे जो मेंडल के रीडिस्कवरी में हेल्प किए थे, नहीं कोरेंस, और उसने फोर मतलब कि हाँ इन कहाँ पे किया, फोर यानी कि मेरा बिलिस जलापा, मेरा बिस जलापा प्लांट का नाम है जो इमेज देख रहे हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, 4 o'clock बोला जाता है, क्योंकि शाम को शायद ये 4 बजे के करीब खिलता है ना। हम लोगों के इसको क्या बोलते हैं, आर्यन जानते हैं? 4 o'clock क्या बोलते हैं? गुलेबंस बोला जाता है, गुलेबंस उर्दू वर्ड है ना भाई, इतना तो हम लोग मुझे नहीं ठीक पता। है इसे गुलेबंस बोला जाता है, ठीक है। अब अदर एग्जांपल, ये तो इस पे क्वारेज ने बताया था, जो रेशो आप देख रहे हैं वही है। अदर एग्जांपल बता दीजिए, एक तो एग्जाम्पल हो गया, अदर एग्जाम्पल। उसका दूसरा नाम स्नैपड्रैगन है ना? हाँ तो स्नैपड्रैगन का नाम मतलब इसी का एक वैरायटी होता है, मतलब कि इसमें एंथ्रीडियम एंथ्रीहिनियम है ना, एंथ्रीनियम मेजस बोलते हैं इसको, और फ्लावर कलर, और जो आपने बोला क्या बोला, डॉग फ्लावर बोला जाता है, नहीं डॉग जैसा दिखता है ना, गार्डन वगैरह में रहता है शायद, ठीक। दूसरा एग्जांपल, और फेदर ऑफ, ये हम जानबूझ के लिख रहे हैं, कभी मान लीजिए आ जाए तो, ऐसे तो आपको एक ही दो एग्जाम्पल है, लेकिन ये साथ में याद रखिएगा, पहले पूछा गया फोल। तीसरा एग्जाम्पल स्टार्च ग्रेन साइज इन पी, ये हो गया। इसके बाद दूसरा एक्सेप्शन, दूसरे आ जाते हैं को डोमिनेंस ना, को डोमिनेंस बताइए, को डोमिनेंस यानी कि F1 इंडिविजुअल जो आएगा उसमें दोनों पेरेंट का क्या होगा, दोनों पेरेंट दिखे, जैसे कोटिंग कलर आप मतलब
वगैरह का देख सकते हैं, नहीं व्हाइट गाय रहेगी उस पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाएंगे, या डॉग में देख सकते हैं। तो क्या होगा, मतलब हो सकते हैं उसके मतलब मदर क्या रहे हो, व्हाइट रहे होगा, फादर ब्लैक रहे होंगे, तो उस तरह से हो जाता है नहीं? तो कह सकते हैं इसको, यानी कि एफ वन इंडिविजुअल रिजेंबल विथ बोथ पेरेंट, नहीं पेरेंट, दूसरा यानी कि एफ वन हैव कैरेक्टर ऑफ बोथ पेरेंट, इसको भी बात वही है। एग्जाम्पल बताइए आर्यन, अभी बोले यार कोट कलर इन कैटल डॉग, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल पहले ही बताया था, बताइए ए बी ब्लड ग्रुप ऑफ ए बी ओ ग्रुप सिस्टम, ने ए बी ओ ग्रुप सिस्टम में जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है को डोमिनेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ए बी ओ ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है ए बी ओ ब्लड ग्रुप में? पूरा निकल जाएगा ना, तो किए थे सारा। ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कोई कंफ्यूजन है? अभी तो की नहीं है सर, कर लेते हैं। इसमें तो सारा निकल जाएगा ना, ए बी ओ ब्लड ग्रुप में, बताइए। चलिए मैं पॉइंट लिख दे रहा, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। ए बी ओ ब्लड ग्रुप कंट्रोल बाय सिंगल जीन, जीन उसे क्या बोलते हैं, आई जीन बोलते हैं ना, नहीं? और जीन आई क्या होगा, जीन आई हैव थ्री एलील, ब्रेक करके लिख दे रहे भाई आप लोग, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। आई ए आई बी, ठीक है, आई ओ कॉमा नहीं लगाया जाता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। आई नॉट या कहते थे हम लोग, स्मॉल आई से भी इसे डिनोट करते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। अब आगे, अब इसमें जो आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस किससे प्रोड्यूस होता है, स्लाइटली डिफरेंट, बता सकते हैं टाइप ऑफ शुगर, पॉइंट में लिख लीजिए, पॉइंट में आप याद रखिए, अब पॉइंट का ही है। और जो ये आई, इसके लिए आर लिखे हैं भाई, इसके लिए ठीक है, आई नॉट लिखे, आई स्मॉल लिखे, और आई नॉट इसीलिए बोला जाता है, इसमें कोई शुगर नहीं होता है, एब्सेंट रहता है, या आई नॉट डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ठीक।
अब वही शुगर क्या प्रोड्यूस करेगा आर्यन बताइए, यानी कि शुगर प्रोड्यूस आई जीन प्रोट्रूडेड फ्रॉम कहाँ से, आरबीसी से, और आरबीसी मेम्ब्रेन पे लगा रहता है। कोई बता सकता है शुगर का क्या नाम है? पहले हम लोग पढ़े तो वहां पे लिखा था। मैं बताने वाला नहीं हूँ। एंटीजन ऑन शुगर का बेसिस, नाम जो शुगर वहां पे लगा रहता है उसको ठीक है, इसी के नेम पे ब्लड ग्रुप का नाम पड़ा रहता है। ठीक है, मैंने ऐसे बताया था आपको पहले, ऐसे लगा रहता है इस पे शुगर, ऐसे उसका नाम आप बताइएगा, आरबीसी है ये, इसी के ऊपर अटैच रहता है। ठीक है, ऐसे। अब मैंने बताया था एक साइंटिस्ट ने 2004 में, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने इसको रिमूव कर दिया, इंजेक्ट करके रिमूव कर दिया था। जब ये रिमूव हो जाएगा तो लुकिंग लाइक ऐसे हो जाएगा, तो और ये किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ब्लड ग्रुप चेक करने की जरूरत नहीं रहेगा, ऐसा भी मैंने बताया था। लेकिन अभी पता नहीं क्यों वो चीज आया नहीं, काफी कॉस्टली पड़ता होगा या जो भी पड़ता होगा। चलिए खैर आगे। अब ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे क्या हो गया? ह्यूमन इज डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, देन वी मस्ट टेक टू एलील आउट ऑफ थ्री। ठीक, तो इसमें आप सेग्रीगेट कर सकते हैं आर्यन, कौन सा लॉ ऑफ डोमिनेंस पे है, कौन सा, मतलब जैसे आई ए और आई नॉट से जब क्रॉस होगा, या कह सकते हैं आई बी, इस क्रॉस करके हम लोग बताए थे, तो ये अप्लीकेबल यहाँ पे होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बस एक करके अब बता रहे हैं बस। ठीक, और दूसरा, अभी आई ए और आई बी जब क्रॉस दिखाएंगे तो वहां पे क्या अप्लीकेबल होगा? लॉ ऑफ को डोमिनेंस, क्रॉस करके बाय थे। एबीए ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? थोड़ा सा जनरल नॉलेज, क्या भाई कॉल लैंडेड स्टीलर ने किया था। चलिए कोई नहीं, बाकी इसमें आप ब्लड ग्रुप वगैरह बना लीजिए, वो नहीं बनाने वाला। तो ये तो हमने कर ही लिया, डायहाइब्रिड क्रॉस एक कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे जीन इंट्रैक्शन। ठीक, इंटरेस्टिंग आप देखिए बुक में यहाँ से दूसरा पोर्शन है, जीन इंट्रैक्शन जैसे कि दो तरह से होता है, एक इंटरलोकस इंट्रैक्शन बोले थे जिसे एलेलिक इंट्रैक्शन बोला जाता है, और इंटरलोकस इंट्रैक्शन, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान दे रहे हैं ना? ये क्या है? इंट्रा है, इंटरलोकस इंट्रालोकस है, और ये क्या है? इंटरलोकस है, ये बिटवीन है और ये विदिन है। नहीं, ये विदिन हो जाएगा और एलिक कहलाएगा, एलिक इंट्रेक्शन कहलाएगा, और
इंटरलोकेशन को नॉन एलिलिक बोलेंगे और ये बिटवीन होता है, ठीक। तभी हम लोग इंटर इंट्रालोकस इंट्रैक्शन कर रहे थे, जैसे डोमिनेंट रिलेशनशिप किए, कंप्लीट डोमिनेंस एग्जांपल टॉल और डॉट का किए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ठीक है, को डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस भी होता है इसमें, ठीक है। तो ये सब चीजें एग्जांपल, लेथल जीन का एग्जांपल यहाँ पे कर सकते हैं। ये सब अगर इंट्रा का लेथल है सर? जीन थोड़ा बहुत, हाँ ये इंट्रा का है। अभी इंटरजेनिक में हम लोग दो पार्ट करेंगे इधर, बस यहाँ पे केवल हम थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब इंट्राजेनिक ज्यादा आपको नहीं आता, जैसे इसमें बहुत सारे रेशो हम केवल लिख दिए आपने हैं यहाँ पे, इंट्राजेनिक बताया था इसलिए। पिछली बार? हाँ, बताया था वहां पे, लेकिन मतलब कि आता नहीं है अब, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने जितना काम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के लिए बाय द वे दे दिया जाए, तो रेशो याद रख लीजिए बस, एग्जाम्पल रेशो, ठीक है। हाँ समझे, बस इतना ही दिया है, ठीक, समझ रहे हैं ना। तो इसमें ये देखिए, यहाँ पे जैसे लेथल जीन अगर समझना हो तो हम बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जानकारी लेना लेथल जीन क्या होता है, जैसे इसमें कई तरह के होते हैं, डोमिनेंट लेथल है, रिसेसिव लेथल है, कंडीशन लेथल है, बैलेंस लेथल है, सेक्स लिंक लेथल, बहुत सारे होते हैं। जैसे एक हम लेथेल का एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, यहाँ जगह है, ठीक है, आपको याद रखना होगा, रखिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिए, ये भी नहीं दिया है इस समय, लेकिन पुराना क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। तो लेथल जीन, लेथेल मतलब आप जान ही रहे हैं, डेथ कॉजिंग ने, तो लेथल जीन क्या होता है, ठीक। अब लेथल जीन जैसे ये बेसिकली डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, क्यू नॉट, और बेसिकली ये मतलब कोट कलर में डिस्कवर किया था, मतलब ये बेसिकली किसमें, होमोजाइगस अगर इंडिविजुअल रहेगा तो क्या होगा, अर्ली स्टेज में कॉज डेथ हो जाएगा, यानी कि जीन कॉजेज डेथ ऑफ इंडिविजुअल इन अर्ली स्टेज, जैसे होमो जाइगस इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसमें एक क्रॉस बना रहता है येलो बॉडी कलर, ठीक है, और इसको नॉर्मल ब्राउन, येलो का कैपिटल वाई वाई, स्मॉल वाई वाई, सेल्फिंग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ना, इसका अगर हम लोग फिर से चेकर बोर्ड बना लिया जाए तो क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई वाई, तो इसमें जो डेथ रेशो आया, डेथ अकर यानी कि रेशो 2:1 का, ठीक, 2:1 का रेशो आता है इसमें। इसमें बहुत नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेथल बस इतना जानना है, ठीक है, रेशो अगर आता है तो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही अभी पढ़े हैं एग्जांपल में, पर फिर से फर्क बताना एंटर और इंटर के बीच में। इन अभी जो आपने पढ़ा ये इंट्रा एलिलिक है, अरे इंट्रा इंट्राजेनिक मतलब एलिलिक, एलिल के बेस पे पढ़ रहे थे ना, एलिल के बेस पे पढ़ रहे थे, तो हाँ। इसमें क्या हो जाएगा, नॉन एलिलिक में अब दो पार्ट हम लोग करेंगे इसमें, जैसे इपी स्टैटिक होता है एक, नॉन इपी स्टैटिक इंट्रैक्शन,
एक एडिटिव पॉलीजेनिक, अभी पॉलीजेनिक इंट्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको हम पॉलीजेनिक और पेलोट्रॉपिक बता दें, तब आपको दोनों में डिफरेंस नहीं पता चलेगा तो फिर बताएंगे, ठीक है? समझ रहे हैं? ये अभी रेशो बाद में। अब यहाँ पे जो आपके बुक में इसके बाद जस्ट बाद दिया है, वो दिया है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक बताइए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जेनिक इनहेरिटेंस, अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मींस क्या हो गया कि वन करेक्टर कंट्रोल ऑफ मेनी जीन, समझ रहे हैं? अब देखिए, एक जीन इधर है, ठीक, इधर जीन, ये क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन टाइप का दिख रहा है ना, ठीक। और ये सब इफेक्ट डाल रहे हैं कौन से, एक सिंगल क्या करेक्टर को, समझ रहे हैं? कौन सा करेक्टर, यानी कि वन करेक्टर, करेक्टर मतलब कि कई जीन क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं एक सिंगल करेक्टर को, तो इसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं पॉलीजेनिक को, क्या बोल सकते हैं, वन करेक्टर। इस साल आएगा 100% कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन। एग्जाम्पल बता सकते हैं कोई? जैसे आप बहुत सारे इसमें स्किन कलर होता है, स्किन कलर में आप जानते हैं, स्किन कलर अपने ह्यूमन में भी बहुत सारे इसमें कंट्रोल करते हैं, ए, ठीक है, तो पर आप तो ये कह रहे हो कि एक जीन ए, कंट्रोल करता है। मतलब एक जीन नहीं करता है, कई जीन एक करेक्टर को कर रहे अच्छा हैं, अच्छा तो वो वाला कौन ढेर सा था जिसमें सारे। एक जीन बहुत सारे करेक्टर। भाई पहले एक बोले, अभी जस्ट नीचे लिखेंगे। अच्छा अच्छा हाँ सर, इसका तो यही होगा। हाँ ये पॉलीजेनिक। स्किन मतलब वगैरह, स्किन कलर होता है, ठीक है। जैसे इसको मतलब डिस्कवर भी पहले किया गया था, कर्नल कलर ऑफ व्हीट, ठीक है। तो हम साइंटिस्ट का नाम नहीं लिख रहे हैं, नहीं ज्यादा साइंटिस्ट का नाम, एग्जाम्पल पॉलीजेनिक का याद रखना है, कर्नल। यहाँ पे मैंने इमेज भी रखा था लेकिन हटा दिया, मैंने सोचा ज्यादा हो जाएगा। कर्नल कलर आप पहले बुक में था, वो अच्छा सा इसका एक्सपेरिमेंट था, व्हीट, कर्नल कलर ऑफ व्हीट, ठीक है। तो ये के दूसरा एग्जाम्पल क्या है, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन, ठीक है। और इसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं बाय टू पेयर एलील, यानी कि टू जीन बेसिकली करता है, ठीक है। नहीं बाय, इसको डेवलप किया था डेवन पोर्ट ने, ठीक है। कलर कंट्रोल बाय टू पेयर एलील। अब देखिए, दो पेयर एलील है, यानी कि टू जीन कहेंगे, नहीं टू जीन। जैसे इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे कई तरह के होते हैं ना लोग, जैसे निग्रो जो हो गए ना, आप देखेंगे कलर ऐसा है कि बहुत अच्छा परफेक्टली मैच होता है, मतलब मिक्स होता है किससे, मतलब हेरिडिटी में, पेरेंट या मतलब मदर और पेरेंट से। बाकी करेक्टर में क्या होगा, नाक का सेफ है तो एक ही का आ जाएगा, कान का सेफ है तो एक ही का आ जाएगा, लेकिन कलर में बहुत अच्छे से मिक्सअप होता है ना भाई। होता आप लोग, आप होगा, होता आसपास, होगा। आस पास के लोग देखते नहीं, अपने लोग नहीं, अपने आप को नहीं देखते क्या? थोड़ा ऑब्जर्व किया करिए भाई, बायोलॉजी स्टूडेंट है, दिल्ली में तो इतने आदमी हैं, आप जरूरत करते रहिए एक्सपेरिमेंट, सब लैब ही तो है। और क्या नहीं,
ये मतलब रेशो बनता, मैं ऐसे बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया है और कोई जरूरत नहीं इसका, ठीक है। दूसरा है, इसमें आपने पूछा पेलियोट्रॉपिक, पेलियोट्रॉपिक क्या होता है, यही आया था ना इस साल 2023 में, और एक ही लाइन जो पहली लाइन है वही लिखा हुआ था एनसीईआरटी का, पेलियोट्रॉपिक क्या होगा। अब चुप हो गए, पैलोट्रॉपिक मतलब हाँ, जिसमें यहाँ एक ही पे बहुत सारा करते हैं, बहुत एक सारे जीन करते है, हैं। ठीक है, एक जीन है, वो क्या करता है, बहुत सारे करेक्टर को कंट्रोल करता है, डाइवर्जन करेक्टर, करेक्टर ठीक है। तो मीन्स लिख सकते हैं वन जीन, यही वर्ड ही पूछा था, वन जीन हैव मेनी इफेक्ट, एक जीन बहुत सारे इफेक्ट देता है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे, अभी एग्जांपल तो आप बताइए, सोचिए एग्जांपल, सिंगल जीन क्या भाई, आप ना एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ते, प्रोड्यूस मल्टीपल फिनोटाइप, ठीक, और भी इसी को हम अलग अलग वर्ड में लिख रहे हैं क्योंकि ऐसा आता है अलग अलग क्वेश्चन। फॉर मीनिंग कैरेक्टर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक कि नहीं, एग्जाम्पल बताइए जल्दी भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल, एक हमारे पास फिनाइल कीटोनोरिया है वो भी एग्जाम्पल है, नहीं PKU, ये रिवीजन में भाई शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म नहीं लिखा जाता है, वो आपका काम है, ठीक है। ह्यूमन ठीक है। ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप भी इसके कैटेगरी में आता है, ह्यूमन ठीक, और SCA भी आता है, अब इसको मत पूछिएगा, अपना करिएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी, ये सारे एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल हम लिख ले रहे हैं, जैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है, ड्रोसोफिला का विंग जो है उसका जीन, पी प्लांट, और कह सकते हैं सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड शेड लिखते हैं, शेड शेड कलर फ्लावर, और भी इसमें रहने देते हैं, कोई फर्जी का है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पॉलीजेनिक हो गया, ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आता है इसमें, ठीक है, ये आता है कि क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ठीक है, ये अभी नहीं आएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ठीक है, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस करते हैं, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस कौन दिया था, साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बताइए,
क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस किसने दिया था? यार आप लोग पढ़ते नहीं, मतलब कि जो मेंडल में जैसे जीन के बेसिस पे होता मॉर्गन है, यानी मॉर्गन मॉर्गन नहीं है, मॉर्गन नहीं, लिंकेज पढ़ेंगे तो मॉर्गन पढ़ेंगे, अभी मॉर्गन नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग क्रोमोसोमल सोमल इनहेरिटेंस या थियरी बताइए, मतलब जो मेंडल ने बताया कहाँ पे, एलील के बेस पे, जीन के बेस पे, फैक्टर के बेस पे, वही सिमिलर बोल दिया, जैसे मतलब कि बहुत सारे लोगों ने, साइंटिस्ट ने बताया कि एटम के बेस पे सारा थियरी, तो आइंस्टीन आया बोले कि जो एक एटम में जो सारा नियम कानून लगता है वो क्या एक प्लेनेट के में लगता है, लगता है यही बोला था ना, कंपेयर कर दिया। तो ऐसे यहाँ पे साइंटिस्ट आया जिन्होंने बोला कि जो जीन पे सारी चीजें लग रहा है, मतलब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि मेंडेलिज्म लॉ जो लग रहा है वो क्रोमोसोम पे लगेगा, ठीक है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, सेम है आपके बुक में दिया और हर साल आता है ये गिवन बाय, हम पूरा नाम लिख रहे हैं, वैसे तो पूरा नाम का जरूरत नहीं है, सटन एंड बावरी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक वाल्टन सटन। है। हाँ सटन एंड बावरी पिछले साल भी आया था, आप लोग जो दिए वाल्टन थे बावरी, ये नाम आया था, और आया था क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दिया गया, जितने आपको साइंटिस्ट का नाम एनसीईआरटी में है वो भाई याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तो बीच बीच से सटन और बावरी ने दिया था, ठीक है, यानी कि इन्होंने यही बोला सटन एंड बावरी नोटेड दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम मिलर टू जीन, तो आप सोचेंगे इसमें कौन से बड़ी बात, नहीं कोई बड़ी बात है, मतलब बड़ी बात तो सर अब क्या बोले। अब नहीं है, पहले रही होगी, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो नया आइडिया कोई दिमाग में नहीं आ रहा है, नहीं तो ऐसे उस समय के लिए तो बड़ी बात रहा होगा, ठीक, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, उसको प्रूफ करना, प्रूव करना नहीं बोल तो दे दिए, ठीक है। अब देखिए इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बहुत नहीं था, ठीक है, इनके पास, लेकिन आगे साइंटिस्टों ने इनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी बताया, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डन बाय, तो बोल के चले गए थॉमस हंट, कौन बोल के चले गए। सटन और बावरी, ठीक है, सेटन और बारी ने बोल दिया है कि मतलब जो क्रोमोसोमल सिमिलरली क्या होगा, जीन के होगा, सिमिलर बिहेवियर करें, लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं था, लेकिन मॉर्गन के पास था, इसलिए फादर जितना भी मॉर्गन ने कुछ भी बोला कुछ भी कहा उसको प्रूफ किया, ठीक है, तो और इन्होंने किस पे, मॉर्गन ने किस पे वर्क किया था, अब समझ लीजिए दूसरे यहाँ पे मंडल आ गए, मॉर्गन वर्क किस पे किया, जितने मंडल में चीजें पढ़े सब यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, मॉर्गन वर्क ऑन, बताइए अभी भाई ऊपर मॉर्गन में,
कहाँ पे वर्क किए थे, जगह का नाम नहीं किसके ऊपर किए थे ये बता रहे। अभी भाई फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई पे तो किए थे, यानी कि जिसको ड्रोसोफिला मेलोगास्टर बोलते हैं। क्या यार भाई, आप लोग यार पढ़ाई नहीं कर रहे हैं भाई। हम तो सोच रहे थे इतने पढ़ाए टेस्ट वेस्ट देंगे यार, तो आप लोग अच्छा करेंगे। अभी आपका संडे को टेस्ट है और कुछ भी नहीं आ रहा। मेरे से एकदम रहते हैं कि हम ही रिवाइज कराएंगे, तभी ये नहीं होना चाहिए। ड्रोसोफिला मेलोगास्टर, ठीक है, ये पूरा मतलब सिमिलरली जैसे मेंडल ने क्यों चूज किया पॉइजन से टाइबम, ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मॉर्गन ने क्यों चूज किया ड्रोसोफिला। तो वहां से कंपेयर करके भी आप बता सकते हैं कि इजिली ग्रो, तो इसको भी इजिली डेवलप किया जाता है लैब में, बना कर सकते हैं, मतलब कि ग्रो कर सकते हैं, और इसका लाइफ स्पेन भी शॉर्ट होता है। और सबसे बड़ी चीज है, जैसे वहां पे फ्लावर में एक तरह से मेल फीमेल बहुत विजिबल होता है, तो हम इजिली क्या करते हैं उसको ही मेस्कुलेट कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे ड्रोसोफिला मोनोगास्टर का आपको इमेज दिया हुआ बुक में देख सकते हैं, मेल और फीमेल इजिली क्या होता है डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और उस टर्म के क्या बोला जाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोला जाता है। जैसे हम लोग भी क्या है, एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, नहीं समझ रहे हैं? तो ये मतलब कि क्वेश्चन यहाँ से यस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, बस इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते। तो इसमें कह सकते हैं इसको ड्रोसोफिला को दे कुड बी ग्रोन ऑन सिमिलर, सॉरी सिंपल सिंथेटिक मीडियम, नहीं मीडियम इन लैब, लैब में बहुत इजीली इसको ग्रो किया जा सकता है, एक ये है कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, द कंप्लीट लाइफ स्पेन अबाउट 2 वीक, यानी कि लाइफ स्पेन स्पेन वेरी शॉर्ट, यानी कि कह सकते हैं 2 वीक, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक। और दूसरी बात है सिंगल मैटिंग में, जैसे वहां लार्ज नंबर ऑफ सीड, तो यहाँ पे सिंगल मैटिंग में क्या होगा, कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। नंबर प्रोजेनी, तो इससे एक्सपेरिमेंट करने में क्या रहेगा, आसानी रहेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट बताइए, अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सबसे अच्छा है यहाँ पे क्लियर डिफरेंशिएशन है किसका, सेक्सेस का, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब कि क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन सेक्स, मेल एंड फीमेल। ऊपर से ही देखने पता चल जाए, मेल फीमेल स्मॉलर होता है, फीमेल क्या होता है लार्जर होते हैं, ठीक है। और इसमें तीसरा क्या है, इसमें बहुत टाइप के मतलब हेरिडिटी वेरिएशन भी होते हैं, और सीन दिख जाता है बहुत लो पावर माइक्रोस्कोप। चौथा हम बता दे रहे हैं,
इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन। प्लीज यार आप लोग पढ़िए भाई, दैट कैन बी सीन विथ जानते हैं एक बार, मतलब आप बोल के देखिए किसी काम के लिए। जैसे ठीक, जी सर, तो बहुत दुख होता है कि बोलना पड़ता है, हमारे आंख में आंसू आ जाता है, बोलने लगते हैं, समझ रहे हैं। पढ़िए यार, वो टफ है, काफी टफ कंपटीशन है। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट में हम लोग लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर थोड़ा बता देंगे, ओवरव्यू। ठीक है, जितना आता है उतना केवल हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक, आप लोग देखिए, हम एक दो चैप्टर रिवाइज करने के बजाय आप एक भी नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि उसी में हमको आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी वेस्ट होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ढेर सारा एक्टिवेट करने में। बताइए। यहाँ पे हम लोग लिंकेज और एंड क्रॉसिंग ओवर करेंगे। यहाँ पे सब आपके जितना मैंने लिखा है, बुक से अलावा नहीं लिखा, बस छोटी मोटी इंफॉर्मेशन कहीं पे लिखा।